2019 लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में ममता बनर्जी ने सीबीआई को हथियार बनाकर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। कहीं पीएम मोदी से सीधी टक्कर लेकर ममता ये तो साबित नहीं करना चाहती कि उनकी दावेदारी विपक्षी एकजुटता में कहीं ज्यादा मजबूत है। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। एक तरफ सीबीआई है तो दूसरी तरफ है ममता सरकार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल शाम से ही अपने लाव लश्कर के साथ कोलकाता में धरने पर हैं, जिनकी लड़ाई केंद्र की मोदी सरकार और सीबीआई से है। ममता नाराज हैं और उनकी नाराजगी की वजह सीबीआई की जाँच है जो 40,000 करोड़ के शारदा चिट फंड घोटाले से जुड़ी हुई है। पहले जरा ताजा मामला समझ लीजिए। सीबीआई की टीम कोलकाता के कमिश्नर से पूछताछ करने पहुंची थी क्योंकि वो शारदा चिटफंड केस की जांच करने वाली एसआईटी के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन जैसे ही सीबीआई के अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे, कोलकाता पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद सीबीआई अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच बहस शुरू हो गयी। रविवार शाम से उठे इस सियासी बवाल के बीच करीब शाम 7:15 बजे सीएम ममता बनर्जी कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची। कुछ देर बाद वो बाहर आ गईं और पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर हमला बोल दिया। कोलकाता के जिस कमिश्नर राजीव कुमार को लेकर सीबीआई और ममता सरकार में जंग छिड़ी है, वो खुद मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठ गए। उधर टीएमसी कार्यकर्ता हरकत में आए और पूरे राज्य में प्रदर्शन पर उतर आए। ट्रेनें रोकी गईं और पीएम मोदी और अमित शाह के पोस्टर लगा दिए गए। आज जो हम लोग का ये प्रोटेस्ट है, हमारी दीदी जो आज धरना पर बैठी है, कल रात से हमारी दीदी संविधान को जितना इज्जत सम्मान करती है, मानती है, शायद ही पूरे हिंदुस्तान में संविधान का कोई इतना ध्यान से देखता है। आप देखे होंगे कि कल रात को बिना किसी वारंट, बिना किसी कुछ, हमारे नगरपाल राजीव कुमार जी के घर में रेड किया गया। उनको रोकने से उन लोगों ने क्या किया, इसको एक तांडव के रूप में, एक माने पश्चिम बंगाल में उन लोग एक उथल पुथल की राजनीति नरेंद्र मोदी जी कराना चाहते हैं, जो हमारी नेत्री है कभी होने नहीं देंगी। टीएमसी और कोलकाता पुलिस का आरोप है कि बिना वारंट के सीबीआई के 40 अफसर कमिश्नर से पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन इंडिया न्यूज के हाथ वो एक्सक्लूसिव चिट्ठी लगी है जो पश्चिम बंगाल पुलिस के दावों को झूठा साबित करती है कि पूछताछ को लेकर सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से मदद मांगी थी। इस बीच पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट का खतरा बढ़ गया है। सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को धमकी दी है कि अगर केंद्र ने धारा 355 और 356 के बारे में सोचा तो वो उसका जवाब बंगाल में धारा 144 से देंगी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई के हेडक्वार्टर पर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच चल रही टसल या फिर कह सकते हैं मतभेदों के बाद अब लगातार सीबीआई हेडक्वार्टर की बात की जाए जो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है, या फिर जो ज्वाइंट डायरेक्टर उनके घर की सुरक्षा लगातार बढ़ा दी गई है। मैं समय निजाम पैलेस में है, ये वो इलाका है या फिर ये वो जगह है, ये पूरा परिसर वो है जहां पर सीबीआई का जो कोलकाता का हेड ऑफिस है वो यहां पर है। और आप देखें तो आपको नजर आएगा कि सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो है यहां पर लगा दी गई हैं और यहां पर हर आने जाने वाले शख्स की पूरी जांच की जा रही है और जांच किए जाने के बाद लगातार उससे पूछा जा रहा है कि क्या उसके जो आईडी है प्रॉपर वो चेक की जा रही है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाकर धरने पर बैठी हैं, तो उनकी सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पर मचे बवाल में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। आइए आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ जब सीबीआई बंगाल का विवाद लेकर कोर्ट पहुंची। सीबीआई और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कल सीबीआई अफसरों को बंधक बनाया गया, दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई हो, कोलकाता पुलिस कमिश्नर सबूत मिटा सकते हैं। मेहता के इस दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई सबूत पेश करे कि राजीव कुमार सबूत मिटा सकते हैं, आज सुनवाई नहीं हो सकती, कल सुबह 10:30 बजे मामले की सुनवाई होगी। सीबीआई की तरफ से दलील दी गई कि कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार सबूतों को नष्ट कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करती है तो कोर्ट उनके खिलाफ ऐसे फैसले लेगा जिसके बाद उन्हें ताउम्र अफसोस होगा। अब कोर्ट कल यानी मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
ममता बनर्जी बनाम सीबीआई की लड़ाई सड़क से संसद तक पहुंची तो दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। टीएमसी सांसदों ने लोकसभा में सीबीआई तोता है के नारे लगाए तो वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। सीबीआई पर पश्चिम बंगाल में जंग छिड़ी तो उसकी गूंज संसद के दोनों सदनों में भी सुनाई दी, जिसके बाद भारी हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल आज जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने आक्रामक होकर सीबीआई विवाद का मुद्दा उठाया। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह सीबीआई विवाद पर जवाब दे रहे थे और विपक्ष का हंगामा जारी था। इस दौरान टीएमसी सांसद सदन में सीबीआई तोता है के नारे लगाते दिखे। एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, विरोध लोगों ने दर्ज कराया, इससे पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने सीबीआई का मुद्दा उठाते हुए सफाई दी कि बिना इजाजत और नोटिस के सीबीआई ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लिया। 40 ऑफिसर्स ऑफ द सीबीआई वेंट टू द हाउस ऑफ द पुलिस कमिश्नर कलकत्ता विदाउट taking previous permission, without a specific order from the court, and they wanted to question the police commissioner of Calcutta. BJP leadership led by Narendra Modi and Amit Shah to really damage the constitutional structure. If such a face-off between the state government and the center takes place. बंगाल के सियासी ड्रामे को लेकर संसद में हो हल्ला मचा तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सीबीआई को हथियार बनाकर विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जिसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया और सिलसिलेवार तरीके से रविवार रात कोलकाता में हुए घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। राजनाथ ने शारदा चिटफंड घोटाले का जिक्र करते हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई की बात कही। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार सीबीआई को एक हथियार बनाकर सभी अपोजिशन लीडर को खत्म करना चाहती है और अपोजिशन पार्टियों को खत्म करके एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। जिस जगह जिस स्टेट में उनको पैर रखने के लिए जगह नहीं है उस जगह वहां पर जाकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मैडम आप कहिए कि कौन सा कानून ऐसा बोलता है कि रात के 7 बजे जाकर आप एक पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करें और एक आदमी में 40-40 लोग जाकर अगर अटैक करते हैं इसको क्या कहें। सिर्फ बंगाल में नहीं, ये बात लखनऊ में हो गई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, कर्नाटक में हो रही है, चेन्नई में हो रही है, हर जगह जहां जहां पर उनके खिलाफ जो पार्टियां हैं वो सभी के ऊपर वो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में इस बात का अध्यक्ष उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच से इस मामले में कई राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि सीबीआई टीम सीधे पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए चली गई थी। सीबीआई को मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनाम सीबीआई की लड़ाई में टीएमसी के बागी सांसद सौमित्र खान भी कूद पड़े और पश्चिम बंगाल पुलिस और सीएम ममता बनर्जी पर सांठगांठ का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और आरजेडी सांसदों ने बीजेपी और मोदी सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप मढ़ते हुए लोकतंत्र की हत्या बताया। वेस्ट बंगाल में खुद भी बोलिए, वेस्ट बंगाल में आज जो चल रहा है पूरा विरोधी पक्ष को हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहा है। आज जो हो रहा है वेस्ट बंगाल का पुलिस एंड वेस्ट बंगाल का सीएम वो एक हो गया। अध्यक्ष जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे
बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो, जो जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं के खिलाफ सीबीआई, उन्हीं के खिलाफ ईडी, उन्हीं के खिलाफ इनकम टैक्स महोदय, केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को मिसयूज किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ममता का जितना विरोध हो रहा है उससे ज्यादा विपक्षी नेता ममता का समर्थन कर रहे हैं। चुनावी साल में पश्चिम बंगाल में मचे घमासान ने विरोधियों को भी मोदी सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। ममता बनाम केंद्र की लड़ाई में तमाम विरोधी नेता भी कूद गए हैं। सुर में सुर मिलाकर तमाम विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राज्यों की चुनी हुई सरकारों को मोदी सरकार परेशान कर रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी रणनीति के तहत विरोधियों को निशाना बना रही है। वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि बीजेपी गैर कानूनी ढंग से पश्चिम बंगाल में दखल देना चाहती है। अगर इस तरह से केंद्र सरकार के पूरी मशीनरी को दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री जी किसी भी सीबीआई को भेज देंगे, इनकम टैक्स को भेज देंगे, ईडी को भेज देंगे, वहां की मशीनरी को ध्वस्त कर देंगे, वहां के अफसरों को डराने की कोशिश करेंगे, लोकल पुलिस को डराने की कोशिश करेंगे, ये देश नहीं बचने वाला। मैंने तो बार बार बोला है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम इस देश को बचाना चाहते हैं तो हमें इस जोड़ी को किसी भी हालत में इस चुनाव में हराना पड़ेगा। रणनीति के तहत, और मैं कहूंगा ये रणनीति नहीं है, ये कूटनीति है कि दूसरे लोगों के साथ व्यवहार कैसा हो, कैसे अपमानित किया जाए, कैसे उन्हें नीचा दिखाया जाए, कैसे उन पे झूठे आरोप लगाए, उसका पूरा का पूरा ये एक्सपेरिमेंट जो भारतीय जनता पार्टी का है वो दिखाई दे रहा है। कानून को दरकिनार करके और ऐसा वातावरण पैदा करना ताकि केंद्र सरकार किसी तरीके से बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दखल अंदाजी कर सके, ये इनका मकसद है। क्योंकि इनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ होने नहीं वाला और बिहार में कुछ होने नहीं। आरजेडी ने कहा है कि सीबीआई जांच नहीं बल्कि बीजेपी का काम करती है, तो वहीं एनसीपी ने बीजेपी को आत्मचिंतन करने की नसीहत दी है। ममता की धुर विरोधी लेफ्ट पार्टियों ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। सीबीआई काम करती है, सीबीआई तो भाजपा का काम कर रही है। आलोक वर्मा जी के हलफनामे के बाद ना इन सारी संस्थाओं को पुनर्निर्माण की जरूरत है। जब ये सत्ता से जाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने जो चरित्र बना दिया है, उसके बाद कल को जब ये सत्ता के बाहर होंगे ये भी गट में आएंगे, और इनमें से कौन कौन लोग जेल में जाएगा इन्हें पता है। देखिए, संविधान की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है, और खास करके जो सरकार में है उनका ज्यादा, और इसलिए आत्मचिंतन इन्हें ही करने की जरूरत है। ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑन वन एंड, ऑन द अदर एंड इट इज यूजिंग ऑल द एजेंसीज अगेंस्ट अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड सेंटर इज एनक्रोचिंग अपॉन द राइट्स ऑफ द स्टेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी ममता का समर्थन किया है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मैं समझता हूं कि इस देश को खतरा है, जिस तरह से डिक्टेटोरियल हो रहा है। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर में इन लोगों को वो चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे कि देश खतरे में पड़ जाए। बहुत बदकिस्मती की बात है, जिस तरह से मुल्क में जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर सीबीआई, जिस तरह से इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है अपने जो अपोनेंट्स हैं उनके साथ स्कोर सेटल करने के लिए, इससे पहले अखिलेश के साथ, मायावती जी के साथ, और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हमें बहुत ही बुरा तजुर्बा रहा है, खासकर जो सीबीआई हो, एनआईए हो, तो आज जो ममता जी के साथ हो रहा है ये बहुत गलत है। टीडीपी और बीजेडी जैसी पार्टियां भी ममता का बचाव कर रही हैं। आफ्टर महागठबंधन मीटिंग हेल्ड इन कोलकाता, दीज काइंड ऑफ एरोगेंट अप्रोचेस आर टेकिंग इन टू अकाउंट बाई द यूनियन गवर्नमेंट अगेंस्ट द पोलिटिकल अपोनेंट्स आर अ मच्योर डेमोक्रेसी एंड प्रोफेशनलिज्म शुड बी मेंटेन्ड
in these issues. Even in Odisha, sudden action of CBI just before panchayat elections in the past and now before general elections smacks of unprofessional conduct and colored with political. चुनावी माहौल में विरोधी पार्टियां मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। सीबीआई पर मचे बवाल के बीच बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने दिल्ली से कोलकाता तक ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ममता की राजनीति का जवाब देने के लिए बीजेपी के बड़े नेता एक ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार की जाँच करना भी गुनाह है। पश्चिम बंगाल में मचा विवाद सिर्फ सीबीआई बनाम पुलिस का नहीं है बल्कि यह पूरा हंगामा ममता बनाम मोदी का भी है। माहौल चुनावी है और जंग मोदी बनाम विपक्ष की होने वाली है। वैसे भी ममता मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने में जुटी हैं। ऐसे में ममता के सूबे में मची सियासी घमासान पर सबसे ज्यादा विरोध भी बीजेपी ही जता रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज एक सुर में दीदी को कोस रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता ने सारी संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है और ममता केजरीवाल की राह पर चल रही हैं। पहले उनको एक बात का जवाब देना पड़ेगा, क्या भ्रष्टाचार की जांच करना पाप है? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई अगर बड़ी संख्या में हजारों करोड़ में रोज वैली स्कैम, शारदा स्कैम, जहां छोटे निवेशकों के पैसे लूटे गए, उसकी जांच करना क्या पाप है? श्रीमान केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में धरना पर बैठने का एक नया निम्न स्तर शुरू किया था, ममता जी ने उसको फॉलो किया। मुख्यमंत्री हैं। ममता पर हमला बोलने में बीजेपी का कोई नेता या मंत्री पीछे नहीं है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता बनर्जी लुटेरों के साथ खड़ी हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूछा कि ममता पुलिस कमिश्नर को बचाना चाहती हैं या खुद को। वो अफसर जो स्कैम में लिप्त लोगों को पूछताछ करना चाहते थे, बार बार समन कर रहे थे लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रहे थे, ये शारदा स्कैम वो स्कैम है जिसने बंगाल में गरीबों को लूटा है, उनकी मेहनत के पैसे को डुबाया है और आज राष्ट्र स्तब्ध है कि कैसे ममता जी ऐसे लुटेरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। ये जांच रुकवाने का प्रयास है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम पूछना चाहते ममता आखिर किसको बचाना चाहती है, धरने पर क्यों बैठी है, पुलिस कमिश्नर को बचाना चाहती या खुद को बचाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता पर जबरदस्त हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता के बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी जा सकते हैं लेकिन सीबीआई नहीं। वहीं पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे उन्हें खूब परेशान किया गया लेकिन उन्होंने ममता जैसा काम कभी नहीं किया। लोकतंत्र तो ममता बनर्जी से खतरे में है, ममता बनर्जी से लोकतंत्र खतरे में है। रोहिंग्या वहां जा सकता, बांग्लादेशी जा सकता, उसके पक्ष में खड़े हो सकते, लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर अपना काम नहीं कर सकता। जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आप सब मीडिया मित्र जानते हैं अनेकों केस उनके खिलाफ दायर किए गए थे सीबीआई की तरफ से, यूपीए कांग्रेस सरकार के कहने पर, और बाद में वो केस सारे के सारे निराधार साबित हुए, क्लीन चिट दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार भी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि मोदी जी ने सीबीआई की इंक्वायरी से परहेज किया हो, बल्कि स्वयं वॉलंटरली अपने आप को प्रस्तुत करते रहे घंटों तक पूछताछ के लिए, ताकि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का एक उच्चतम उदाहरण स्थापित हो सके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की हेलीकॉप्टर लैंडिंग में हुई आनाकानी और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग से ममता की शिकायत की। जो घटनाएं हो रही हैं खास तौर से पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में अराजकता और उद्दंडता, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या,
और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम को एक सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र के तहत चुनाव आयोग से मांग की है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव हो। इसके लिए जो वर्तमान हालात और परिस्थितियां हैं उसका चुनाव आयोग आकलन करे। राजनीतिक बवाल के शोर में यह समझ पाना मुश्किल है कि सीबीआई गलत है या कोलकाता के पुलिस कमिश्नर। देश के इतिहास में ऐसा संकट पहले कभी नहीं पैदा हुआ, इसीलिए सीबीआई और पुलिस के रिटायर्ड अफसरों की राय भी बटी हुई है। कोई सीबीआई के तरीके पर सवाल उठा रहा है तो कोई कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह ने सीबीआई के तरीके पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे तो कोर्ट जाना चाहिए था। यही बात सीबीआई के दो पूर्व निदेशकों ने भी दोहराई है। वो पुलिस कमिश्नर के घर में गए हैं तो पुलिस कमिश्नर एक बड़ा सीनियर ऑफिसर होता है स्टेट का, बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शनरी होता है। तो और जैसे मैं अखबार में भी पढ़ रहा था कि शायद उनको नोटिस दिए थे और वो अपेयर नहीं हो रहे थे, तो वो अपेयर नहीं हो रहे थे तो ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है, तो आप हाईकोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं कि वो सीबीआई के सामने अपेयर हुए। कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन थी कि आपको उनके घर में जाने की आवश्यकता है। ये नॉर्मली हम लोग कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं और कोर्ट के ऑर्डर को फिर सबको पालन करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है। द सीबीआई ऑफिसर शुड हैव गॉन विद लीगल आर्म। यू सी ही दे नो दैट राजीव कुमार इज नॉट अपियरिंग इन स्पाइट ऑफ समन्स, इन स्पाइट ऑफ नोटिसेस, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग टू वेरियस पीपल, सो दे हैव टू गेट होल्ड ऑफ हिम। देयर इज अ प्रोविजन अंडर द लॉ, यू गो टू द कोर्ट एंड टेक ए वारंट। In this case, it is very unfortunate that while notices were issued under Section 160 CRPC to the Commissioner of Police and he has not responded to those notices, he has not appeared before the CBI. Such instances have happened in the past also. The only solution to these is that all the matters should be put before the special court of the CBI where the FIR has been filed. लेकिन IPS YP सिंह ने कहा है कि अगर लोकल पुलिस ऐसे मामला हाथ में लेगी तो CBI का महत्व ही क्या रह जाएगा। रिटायर्ड जस्टिस RS सोढ़ी ने भी कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। CBI एक स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और वो कानून के राज के तहत काम करती है। अगर सीबीआई ने कोई कानून का उल्लंघन किया है तो उसके लिए अदालत का दरवाजा कोई भी खटखटा सकता है। इस तरह से अगर लोकल पुलिस कानून अपने हाथ में लेगी तो सीबीआई की जो स्टैट्यूटरी फंक्शनिंग है और रूल ऑफ लॉ है और जो इंस्टीट्यूशंस की जो सैंक्टिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आई थिंक इट इज एन एब्सोल्यूट टेक डाउन ऑफ statutory machinery. There is no question of a police bashing up each other. They are both investigating agencies, and I don't see how the state police could have acted. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार बनाम सीबीआई का जो विवाद आज अभूतपूर्व संवैधानिक संकट बनकर खड़ा है, उसकी बुनियाद 2013 में पड़ गई थी जब पूर्वी भारत में सबसे बड़े चिटफंड घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। इस घोटाले का नाम है शारदा चिटफंड घोटाला। शारदा चिटफंड का मास्टरमाइंड सुदीप्तो सेन था जो 2013 से जेल में है। 1990 के दशक में सुदीप्तो सेन ने शारदा ग्रुप के नाम पर पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चिटफंड का धंधा शुरू किया था। 2009 में सेबी ने शारदा चिटफंड में निवेश पर सवाल उठाए तो सुदीप्तो सेन ने सैकड़ों कंपनियों के नाम पर दूर दराज के गांवों के लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोगों का भरोसा जीतने के लिए सुदीप्तो सेन ने मीडिया बिजनेस भी शुरू कर दिया। उसने कई टीवी चैनल और अखबार मैगजीन चालू कर दिए। सुदीप्तो सेन के मीडिया वेंचर के CEO कुणाल घोष थे जो उन दिनों TMC के सांसद हुआ करते थे। शारदा ग्रुप ने बांग्ला फिल्मों की हीरोइन शताब्दी रॉय और बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती को
अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाद में शताब्दी रॉय और मिथुन चक्रवर्ती भी टीएमसी के सांसद बने। जनवरी 2013 में शारदा चिटफंड के बुरे दिन शुरू हुए, निवेशकों का पैसा लौटाने का दबाव बढ़ा तो 6 अप्रैल 2013 को सुदीप्त सेन ने सीबीआई को 18 पेज की चिट्ठी लिखकर कबूल किया कि उसने चिटफंड का पैसा कई नेताओं को खिलाया है। सुदीप्त सेन ने अपनी चिटफंड कंपनी डूबने का ठीकरा टीएमसी सांसद कुणाल घोष के सर पर फोड़ा और फरार हो गया। शारदा चिटफंड डूबने के बाद ममता बनर्जी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस श्यामल कुमार सेन की अध्यक्षता में न्यायिक जांच के लिए कमेटी बना दी। वहीं असम और त्रिपुरा सरकार ने शारदा चिटफंड की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, जबकि ओडिशा में शारदा ग्रुप के घपलों की जांच ओडिशा पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी। मामला चूंकि कई राज्यों में फैला था, इसीलिए मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल में शारदा घोटाले की जांच एसआईटी कर रही थी, जिसके प्रमुख राजीव कुमार थे जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है। शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी टीएमसी के तत्कालीन सांसद कुणाल घोष ने 2013 में ही सोशल मीडिया पर खुलासा किया था कि शारदा घोटाले में टीएमसी के 4 सांसद और खुद ममता बनर्जी भी शामिल हैं। इसके बाद एसआईटी ने नवंबर 2013 में कुणाल घोष को गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 2014 तक एसआईटी ने शारदा चिटफंड घोटाले में 385 एफआईआर दर्ज की, जिनमें से 288 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। सीबीआई ने जब शारदा चिटफंड घोटाले की जांच संभाली, उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं तक जांच की आंच पहुंची। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी रजत मजुमदार, असमिया सिंगर और फिल्म मेकर सदानंद गोगोई, ओडिशा के पूर्व एडवोकेट जनरल अशोक मोहंती से भी पूछताछ की। शारदा घोटाले में ओडिशा के पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ की भूमिका भी संदिग्ध थी। बरुआ ने बाद में सुसाइड कर लिया। 21 नवंबर 2014 को सीबीआई ने ममता बनर्जी सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे मदन मित्रा को भी शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार किया था। 2014 के बाद शारदा चिटफंड घोटाले की जांच अपनी रफ्तार से चल रही थी, तभी सीबीआई के निशाने पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार आए और क्षेत्रीय घोटाले की जांच का सवाल राष्ट्रीय राजनीति के बड़े बवाल में बदल गया। सीबीआई का आरोप है कि शारदा चिटफंड की जांच कर रही एसआईटी के हेड के तौर पर राजीव कुमार के पास जो दस्तावेज और सबूत थे वो उन्होंने सीबीआई को नहीं सौंपे। सीबीआई उसी सिलसिले में राजीव कुमार से पूछताछ करने गई थी, जिस पर ममता बनर्जी ने बवाल मचा दिया। और इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आ रही है लंदन से। विजय माल्या के प्रत्यर्पण को ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हिसाब से खबर है ब्रिटेन के राज्य सचिव ने प्रत्यर्पण आदेश पर साइन कर दिए हैं। अभी भी माल्या के पास ऊंची अदालत में जाने का विकल्प है। पहले जब कोर्ट का फैसला आया था प्रत्यर्पण की मंजूरी का, तब भी ये कहा गया था कि राज्य सचिव के पास से मामला जाएगा और उसके बाद उनका प्रत्यर्पण हो सकता है। लेकिन माल्या के पास अभी भी ये विकल्प खुला हुआ है कि फैसले को पढ़ने के बाद माल्या ऊपरी अदालत में जाएं ब्रिटेन के अंदर ही। माल्या ने ये कहा था कि वो उनके जो लीगल टीम है वो फैसले को पढ़ रही है और ऊपरी अदालत जाएगी। पूरा का पूरा मामला ये कहा था कि वो उनके जो लीगल टीम है वो फैसले को पढ़ रही है और ऊपरी अदालत जाएगी। पूरा का पूरा मामला किंगफिशर एयरलाइन से जुड़ा हुआ है। माल्या ने कई सारे बैंकों के पैसे लिए थे लेकिन अब उसे लौटा नहीं रहे हैं और उसके बाद वो लंदन जाकर बस गए और वहां पर उन्होंने अपनी जो दूसरी कंपनी थी उसके कामकाज शुरू कर दिए, लेकिन बैंकों का पैसा खा गए। उसके बाद से उन पर जब्ती और कुर्की की कार्रवाई शुरू हुई और अब एनडीए सरकार उन्हें किसी भी हालत में देश लाने की बात कह रही है और लंदन की एक अदालत ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। आज ब्रिटेन के राज्य सचिव ने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसके हिसाब से विजय माल्या को लंदन से दिल्ली लाया जा सकता है, लेकिन ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प उनके पास अभी भी खुला हुआ है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार, आशीष सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कहता है, कब तक माल्या आप ऊपरी अदालत जा सकते हैं, क्या कहता है आदेश? फिलहाल जो साइन किया है वो यूके के सेक्रेटरी ऑफ होम सेक्रेटरी ने साइन किया है विजय माल्या के जो एक्सट्रेडिशन ऑर्डर है उस पर, लेकिन ये वेस्टमिंस्टर कोर्ट का जो दिसंबर में फैसला आया था उसके आधार पर है। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसके मुताबिक उन्हें 14 दिन मिलती है विजय माल्या को, जब वो हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं और उसके बाद में भी ठीक इसी तरह का एक साइकिल रिपीट होगा जब वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
तो ये जो सिग्नेचर हुआ है यूके सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ये एक एक स्टेप है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकालना जाना चाहिए कि अगले कुछ दिनों में या फिर अगले कुछ महीनों में भी विजय माल्या भारत में वापस लाए जा सकेंगे, अगर वो खुद जब तक वो आने के लिए तैयार नहीं होते हैं तब। ये जो लीगल प्रोसीजर है लंदन का, इसके मुताबिक वेस्टमिंस्टर कोर्ट स्टेप वन होता है जिसकी सुनवाई हुई थी और पिछले डेढ़ दो सालों की सुनवाई के बाद में 10 दिसंबर को ये फैसला आया था। उसके आधार पर जो प्रोसीजर है, विजय माल्या के जो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट है वो यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाता है, उन्होंने साइन किया है। ये जो खबर है वो केवल स्टेप वन के सिग्नेचर की है और अब 14 दिन का उन्हें समय मिलता है विजय माल्या को। दो हफ्तों के अंदर में विजय माल्या को लंदन के हायर कोर्ट में अपील करना होगा। अगर वो अपील नहीं कर पाते हैं तब ये जो सिग्नेचर आज हुआ है इसे सर्वोपरि माना जाएगा और विजय माल्या को एक्स्ट्राडाइट करके भारत लाया जा सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। आशीष हमारे एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से जानकारी दे रहे थे कि एक कदम और आगे बढ़ा है विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं निकाला जाए कि विजय माल्या अब लंदन से भारत आ रहे हैं, क्योंकि हायर अदालत में उनके पास जाने का विकल्प खुला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई पर चल रही महाभारत के बीच आज सीबीआई के नए मुखिया ऋषि शुक्ला ने भी कामकाज संभाल लिया, लेकिन उनके सामने सीबीआई की गिरती साख को संभालना बड़ी चुनौती होगा। ऋषि शुक्ला ने ऐसे समय पर कुर्सी संभाली है जब सीबीआई की छवि लगातार धूमिल हो रही है। पहले सीबीआई बनाम सीबीआई और अब सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस के झगड़े ने सीबीआई की साख को बट्टा लगाया है। शुक्ला को सीबीआई की पुरानी साख कायम करनी होगी। वैसे शुक्ला को लंबा प्रशासनिक अनुभव है। 1983 बैच के आईपीएस ऋषि शुक्ला मध्य प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री की सदस्यता वाली चयन समिति ने शुक्ला के नाम पर मोहर लगाई थी। ऋषि शुक्ला ने आलोक वर्मा की जगह ली है। निदेशक पद को लेकर 3 महीने तक जबरदस्त जंग चली। आइए आपको सीबीआई निदेशक से जुड़ा पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल 15 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने अपने ही स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ घूसखोरी का केस दर्ज किया। सीबीआई के मुताबिक सतीश बाबू नाम के शख्स को मीट कारोबारी मोइन कुरैशी केस में राहत देने के लिए अस्थाना ने 2 करोड़ की घूस ली, लेकिन इस बीच राकेश अस्थाना ने तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर भी घूसखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। 23 अक्टूबर 2018 को वर्मा ने अस्थाना की सारी शक्तियां छीन ली, लेकिन देर रात केंद्र सरकार ने अस्थाना और वर्मा दोनों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया। आलोक वर्मा कोर्ट पहुंच गए और 77 दिन की जबरन छुट्टी के बाद 8 जनवरी को बतौर सीबीआई निदेशक बहाल हुए, लेकिन 2 दिन बाद ही 10 जनवरी को सरकार ने वर्मा की परमानेंट छुट्टी कर दी। राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा की तकरार में सीबीआई की खूब भतपिटी। पूरे विवाद में मोदी सरकार पर भी सीबीआई में दखलअंदाजी का आरोप लगा। पिछले 3 महीनों से नागेश्वर राव बतौर अंतरिम निदेशक सीबीआई की कमान संभाल रहे थे, लेकिन अब सीबीआई को स्थायी मुखिया मिल गया है। देश में 2019 के चुनाव में फिलहाल 2 मुद्दे सबसे ज्यादा गर्म हैं। पहला ममता बनर्जी का केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान और दूसरा मुद्दा है न्यूनतम आमदनी की गारंटी का राहुल गांधी का चुनावी वादा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से आज मैंने इन दोनों मुद्दों पर बात की। पीयूष गोयल ने ममता बनर्जी के आंदोलन को अराजकता बताया और राहुल गांधी के यूनिवर्सल बेसिक इनकम के वादे को हवा हवाई। आपको क्या लगता है, ममता जी ने जो किया, सीबीआई को काम नहीं करने दिया गया वेस्ट बंगाल के अंदर, क्या आपको नहीं लगता ये संघ और राज्य का सीधा सीधा टकराव है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं समझता हूं कि राज्यों को, केंद्र को, सबको मिलकर काम करना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम इंडिपेंडेंट होता है, उसमें किसी का भी दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। साथ में यहां तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही वो अपना काम कर रही थी, और सीबीआई तो गुजरात में मुख्यमंत्री को खुद को अपने ऑफिस बुला के 9-9 घंटे जब बिठाती थी तब प्रधानमंत्री मोदी जी जाते थे, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की इंडिपेंडेंस को भी, और हम सबका नागरिक के नाते कर्तव्य है कि उसके साथ कोऑपरेट करें। ये दुर्भाग्य है कि किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए, या क्या पता नहीं ऐसा रहस्य है जिसके कारण
एक टकराव का माहौल ममता दीदी वहां पे कर रही हैं, या वो बौखला गई हैं? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ वर्चस्व लगभग संकेत दे रहा है कि ये तो त्रिपुरा जैसी हालत बनते जा रही है, कहां त्रिपुरा में हमारे को 1% वोट था, चुनाव में 51% लेके हम सरकार बना पाए, शायद कुछ उसी तरह पश्चिम बंगाल के लोग भी अब त्रस्त हो गए हैं। पहले उन्होंने वामपंथियों की सरकार देखी, अब ममता जी की सरकार देखी, अब पश्चिम बंगाल ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही वो उस प्रदेश का भी आगे विकास देखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि जो कल हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर, सीबीआई को काम नहीं करने दिया गया, उसके बाद ये एक फिट केस बनता है राष्ट्रपति शासन लगाने का पश्चिम बंगाल में? वो तो मैं समझता हूँ जो उसके कार्रवाई का नॉर्मल प्रोसेस है उसके हिसाब से लोग देखेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार की अराजकता का स्थिति वास्तव में बहुत चिंताजनक है। हमारे नेता वहां जाते हैं, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने तक नहीं देना, माननीय गृहमंत्री तक को 2 घंटे गाड़ी से जाना पड़ा क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया। एक बड़ा सवाल यूनिवर्सल बेसिक स्कीम का है, जिसके बारे में एक आर्थिक समीक्षा के अंदर बात भी हुई थी। आपको क्या लगता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी कोई चीज क्या भारत को सूट करेगी, करना चाहिए? आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर क्या सोचते हैं? किसी कार्यक्रम में गया था तो पत्रकार बंधु ने मुझे बताया कि भाई मेरे पहले एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जाने माने वकील है, उन्होंने तो बड़े बड़े घोटालों को जीरो लॉस थियरी में ही घुमा दिया था कि भाई कोयले में कोई घोटाला ही नहीं हुआ, कोयला तो जमीन के नीचे है, जब निकलेगा तब घोटाला होगा। अरे भाई आपने दे दिया निजी आदमी को मुफ्त में, तो घोटाला तो उसी समय हो गया, आगे के लिए उसको सुनिश्चित कर दिया कि वो उसमें बेबुनियाद कमाई कर सके। स्पेक्ट्रम बिना कोई प्रोसेस के दे दिया, उसको भी उन्होंने जीरो लॉस कर दिया। तो अब उन्होंने यहां कह दिया कि 3-4 लाख करोड़ रुपए हम दे देंगे। तो पत्रकार बंधु ने पूछा कि भाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम में अब कितना दोगे? बोलते 3 लाख करोड़। बोला कहां से आएगा? बोला हम बाकी सब्सिडी बंद कर देंगे। तो आप बताइए, कांग्रेस के लोगों से आप जाके पूछिए कि वो देश के किसानों को ईमानदारी से बता दे कि अब आपका खाद 5 गुना दाम में बिकेगा, सब किसानों को बता दे अब आपके बिजली के बिल 5 गुना हो जाएंगे, मध्यम वर्गीय परिवारों को बता दे अब आपके ऊपर टैक्स थोपे जाने वाला है क्योंकि हम मिनिमम बेसिक इनकम देने की एक स्कीम ला रहे हैं। आखिर 3 लाख करोड़ आएगा कहां से? मैं भी अभी सब बजट बना के उठा हूं, 3 लाख करोड़ या तो फिस्कल डेफिसिट घाटा बढ़ाए, तो जो पहले कांग्रेस ने किया कि महंगाई फिर डबल डिजिट हो जाएगी, जनता तय कर ले कि सबको डबल डिजिट महंगाई 10-12-14% महंगाई चाहिए क्या, या वो इमरजेंसी के पहले जो 34% महंगाई थी इंदिरा जी के समय, देश उसके लिए तैयार है? रुपए की कीमत 100 रुपए हो जाए डॉलर पे ले, उसके लिए तैयार है? क्या देश चाहता है कि जो अर्थव्यवस्था आज विश्व में मानी जाती है एक मजबूत अर्थव्यवस्था, फिर मजबूर हो जाए, फिर कमजोर हो जाए? ये तय करना पड़ेगा। मतलब क्या दिल्ली के सब बिजली जो उत्पादन खरीदते हैं, बिजली खरीदते हैं, सब तैयार है कि उनका बिजली का बिल दुगना हो जाए, तिगना हो जाए, चौगुना हो जाए? क्या देश के 80 करोड़ लोग जिनको हम 2-3 रुपए में अनाज देते हैं, केंद्र सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए देती है, उसके दुगना हो गया, वो भी पहले कहां 80-90 हजार करोड़ होता, उसको भी बंद करके क्या लोगों को जाके मार्केट प्राइस पे आज अनाज खरीदना पड़ेगा, गरीबों को और दलितों को और पिछड़ों को? तो ये कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो क्या करेगी, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी या सभी लोगों को जो आज केंद्र सरकार इतनी मदद करती है, सहायता करती है, ये सब बंद करने की योजना? मतलब आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम जैसा कोई भी चीज को बिना सब्सिडी कम किए लाना बड़ा मुश्किल? मुझे नहीं लगता है, ये कपिल सिब्बल जी का बयान है, कपिल सिब्बल जी को पूछा जाएगा और कांग्रेस के नेता इसका जवाब दे। उन्होंने कहा, मैं आपको एज ए इकोनॉमिस्ट पूछ रहा हूँ, एज ए सीए पूछ रहा हूँ, मैंने कहा है उन्होंने जो कहा है वो एकदम बेबुनियादी है। मैं तो किसानों की सब्सिडी कम नहीं करने वाला, मैं तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाने नहीं वाला, नहीं क्या ऐसा? मैं तो बिजली के दाम अनाप शराब बढ़ाने नहीं वाला, ठीक है? मैं तो अभी भी गरीबों को सस्ती 2-3 रुपए में अनाज देने वाला, मेरी तो योजना स्पष्ट है। क्या ऐसा बिना किए यूनिवर्सल बेसिक स्कीम करना पॉसिबल है? वो कांग्रेस वाले बताए वो कहां से कैसे करेंगे, मुझे तो कोई दिखता नहीं है रास्ता आज के दिन।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी दिल्ली वापस लौट चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में उन्होंने राहुल के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। दरअसल 1 तारीख को प्रियंका गांधी को लौटना था, लेकिन मौसम खराब था, उस इलाके में अमेरिका गई हुई थी अपनी बेटी के इलाज के लिए, इसके चलते वो 1 तारीख को नहीं आ पाई। अब 4 तारीख को लौटी है, उनका उत्तर प्रदेश जाने का कार्यक्रम है और बकायदा उनके लिए कमरा भी सजा दिया गया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में। तो ऐसे में राहुल गांधी से उनकी मुलाकात कई सारे राजनीतिक संदर्भ और कई सारे राजनीतिक मायने रखती है, और अब सबकी नजरें इस बात पर लगी होंगी कि प्रियंका गांधी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत किस दिन से करती है। नहरे पे नहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन विस्तार और रफ्तार से खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एसोसिएट्स छोड़कर विपक्षीय महागठबंधन में शामिल होने वाले आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर पुलिस के लाठीचार्ज से बिहार की सियासत गर्म आ गई है। अपने नेता के सम्मान में आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद कर जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा पर पटना में शनिवार को पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। हमारी मांगे पूरी हो, जरूरी हो, हार 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 बंद करो। आरएलएसपी ने लाठीचार्ज के विरोध में आज बिहार बंद बुलाया, जिसको महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का भी समर्थन मिला। इस दौरान गया, कटिहार, बेगूसराय, नवादा और जहानाबाद में उपेंद्र कुशवाहा पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुए। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा पर किए गए लाठीचार्ज का विरोध करते रहे। हमला नहीं क्या करवाया गया, उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, जिस तरह से हमारे अमर सिंह जगदो बाबू की हत्या करवाया गया था, उसी तरह से नीतीश कुमार के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा जी को हत्या करने का उस दिन साजिश था, इसलिए आज हम लोग पूरा बिहार बंद करवा रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण तरीके से रालोसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मारपीट किया, बेरहमी से मारपीट किया, उसी के आलोक में हम लोग बिहार को बंद कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, शिक्षा में सुधार लाना होगा। इससे पहले शनिवार को बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान आरएलएसपी कार्यकर्ताओं पर पटना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस लाठीचार्ज में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ता घायल हो गए थे, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे पहले प्रदर्शन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का दावा किया। हमारी लड़ाई बिहार की सरकार से, शिक्षा हम चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए अच्छी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने लाठी चलाई हमारे लोगों पर, उसको भी चोट आई है, माथे में भी चोट आई है, हमारे अनेक साथियों को लाठी लगी है, लेकिन चाहे जान भी ले ले, नीतीश कुमार की शिक्षा विरोधी सरकार जब तक गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम लोग लड़ाई लड़न नहीं बंद होगा। हम जोर से हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम आगे लड़ते रहेंगे। इस बीच महागठबंधन के नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री कुशवाहा पिछले साल दिसंबर महीने में एनडीए छोड़कर विपक्षी खेमे के महागठबंधन में शामिल हो गए थे। अयोध्या विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है, जिसके तहत हिंदू महासभा ने 1993 के जमीन अधिग्रहण कानून की वैधता पर ही सवाल उठा दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि राज्य की भूमि केंद्र अधिग्रहित नहीं कर सकती, जिस एक्ट के तहत 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी, वो एक्ट बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। याचिका में ये भी कहा गया है कि भूमि और कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं, केंद्र को कानून बनाकर राज्य की भूमि अधिग्रहित करने का अधिकार नहीं है, और जब अधिग्रहण ही अवैध था तो जमीन वापस देने में क्या परेशानी है। अयोध्या मसले पर कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि 67 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। जमीन का विवाद सिर्फ 0.313 एकड़ का है, बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए उस पर यथास्थिति बरकरार रखने की जरूरत नहीं है। सरकार चाहती है कि जमीन का बाकी हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत दे। कहा जा रहा है कि 67 एकड़ में से करीब 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास की है। दहले पे दहला में आज के लिए इतना ही, आगे देखिए दमदार दस। आज इतने पुराने गाने।